सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ब्लॉग अपनी V3 पे है कि हम ये बाइक क्यों लिए, ऐसा 5 रीजन जो ये हम बाइक चूज़ किए और कोई बाइक क्यों नहीं लिए। तो ऐसा इसका हम 5 रीजन बताते कि हम इसको ही क्यों प्रीफर किए। RS भी हम ले सकते थे या कोई और भी ले सकते थे, बट ये ही क्यों लिए। तो अगर फर्स्ट रीज़न का बात करें तो फर्स्ट इसका लुक, इसका जो लुक मिलता है, मतलब इस बाइक के सेगमेंट में ये जो लुक जो है ये और कोई बाइक में मिलता भी नहीं। पूरा अगर लुक की बात करें तो पूरा एरोडायनेमिक लुक है, और अगर कोई बाइक में भी देखे तो ऐसा लुक अभी तो है। एक RS भी है पर वो ज़्यादा ही बल्कि और कट दिखता है, पर हमको ये ज़्यादा बेटर सही लगता है। तो हमको RS से ज़्यादा सही लगा ये लुक के मामले में। और अगर सेकेंड बात करें तो इसके इंजन का, 155 cc का इसका इंजन है और ये इतना रिलायबल इंजन है, इसका माइलेज इतना अच्छा और इतना स्मूथ इसका इंजन है। इस वजह से RS भी हम एक बार ड्राइव मतलब टेस्ट किए थे जब, तो उसमें उसके इंजन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आता था, तो हम फिर उसको प्रीफर नहीं किए। फिर जाके इस पर हम इसके इंजन को लेके हम ये सेकेंड रीज़न इसका इंजन है। सो अगर थर्ड रीज़न की बात करें तो इसका माइलेज, क्योंकि ये बाइक का माइलेज 150 cc का इंजन है और पावर भी बहुत सही है, और माइलेज की बात करें तो माइलेज तो और भी ज़्यादा सही है। सिर्फ कहने को ये 150 cc का इंजन है, बट ये तो पूरा पावर 200 का ही निकालता है। अभी दिखाते हैं ये इसके मीटर कंसोल में जो माइलेज शो कर रहा है वो 44.6 दिखा, मतलब ऑन एवरेज सिटी में ये 45-47 दे देता है। और अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे में अभी हम इसका हाईएस्ट माइलेज निकाले हैं 55-60 निकाल चुके हैं। ऐसे तो अगर बात करें तो हम 70 भी निकाले हैं। पता नहीं वो एरर था कि क्या, वो तो मुझे नहीं पता वो एरर था कि क्या शो कर रहा था, बट ऑन मीटर हमको 70 दिखाया, पर वैसे ये 55-50। और अगर फोर्थ रीज़न की बात करें तो इसका सर्विस कॉस्ट, हम जब मेरा इसका लगभग 2-3 सर्विस कंप्लीट हो चुका है और ये फोर्थ सर्विस लास्ट होगा, तो अगर सर्विस कॉस्ट की बात करें तो जैसे फ्री सर्विस में हमको मोबिल मेनली और जो इसका ऑयल फिल्टर होता है वो चेंज हुआ था, और एक बार हम एयर फिल्टर चेंज करवाए थे सेकंड सर्विस में, पता नहीं वो कैसे ख़राब हो गया था तो वो चेंज करवाए थे। और वैसे कूलेंट, एक यहाँ पे कूलेंट डलाता है इसका, तो ये कूलेंट दो बार टॉपअप हुआ था, तो वो जो कूलेंट टॉपअप हुआ था मेरा 2 बार हुआ था, तो यहाँ पर इसका कूलेंट फिल होता है। तो जितना भी मतलब मेरा 3 सर्विस कंप्लीट हो चुका है बाइक का, तो 3 सर्विस में मेरा वही ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल तो यही हुआ है, तो मिनिमम मेरा 700 और 750 के अंदर में ही हो जाता था। तो फोर्थ रीजन इसका सर्विस को लेकर बोलेंगे, क्योंकि ये सर्विस इसका बहुत सही है और अच्छा सर्विस देता है। मेरे फ्रेंड के पास एक KTM Duke 250 है, तो उसका सर्विस का जब पूछते तो वो बताता है उसका लगभग करीब 2000 पड़ जाता है फ्री सर्विस। और वैसे अगर देखेंगे तो फ्री सर्विस अगर नहीं बात करें तो उसमें और लेबर चार्ज या कुछ और एक्स्ट्रा अगर बात करें तो उसमें फिर 3000 पड़ जाता है। तो इसलिए अगर इसका सर्विस का बात करें तो सर्विस बहुत सही है। तो फोर्थ रीज़न ये सर्विस को लेके था। और अगर ये लास्ट फिफ्थ रीज़न है तो फिफ्थ रीज़न का बात करें तो इसका स्लीपर क्लच, क्योंकि मतलब 155 cc का इंजन है और इसमें यामाहा स्लीपर क्लच प्रोवाइड करता है, जो कि RS में भी नहीं है और मे भी शायद KTM Duke 250 में भी नहीं है, वो 390 में दिया हुआ। तो एक ये फिफ्थ रीज़न इसका स्लीपर क्लच का है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है क्लच लेने में, और कभी भी गाड़ी को मतलब डाउनशिफ्ट या अपशिफ्ट करते हैं तो मतलब डाउनशिफ्ट में ही मेनली वो गाड़ी स्केट करते हैं, तो वैसा गाड़ी कभी स्केट किया नहीं डाउनशिफ्ट में, कि अगर हम हाई RPM में अगर कम गियर लेते हैं तो कभी गाड़ी वैसा स्केट करना जो बोलते हैं वो स्केट नहीं किया। तो ये फिफ्थ रीजन इसका अगर स्लीपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये स्मूथ है इसका ये स्लीपर क्लच, ये जो कंपनी प्रोवाइड किया है। ये देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो ये LED जलता है बहुत सही लगता है। ये जलता है मेरा शायद लो बीम में या हाई बीम में, ये दोनों एक क्यूब बना हुआ है जो इसमें भी LED है। तो यही कुछ 5 रीज़न था R15 लेने का कि हम क्यों इसको लिए। वैसे तो और भी रीज़न है, बट अभी हम इस वीडियो में 5 रीज़न ही कवर किए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।